दीप चटर्जी और मनोज तिवारी के बीच तीसरे विकेट के लिए 89 रन की भागीदारी को यदि हम छोड़ दें तो बंगाल और सौराष्ट्र के बीच रणजी ट्रॉफी फाइनल के तीसरे दिन कुछ नहीं हुआ सिवाय धीमी बल्लेबाजी के। इतनी धीमी बल्लेबाजी का आलम यह था कि जिस तरह से पहले दिन दूसरे दिन जो है सौराष्ट्र के बल्लेबाजों ने बहुत धीमी बल्लेबाजी की, खासकर वसावड़ा जिन्होंने सेंचुरी बनाई और उनके साथ चेतेश्वर पुजारा बहुत धीमा खेल रहे थे। वहीं चौथा जो दिन था, तीसरा दिन जो था, उसमें यही कुछ किया बंगाल के बल्लेबाजों ने। हालांकि शुरुआत बंगाल की ठीक ठाक हुई, जो उसके डेब्यूटेंट थे सुदीप, उन्होंने बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद जो है ये एक पार्टनरशिप चली तीसरे विकेट के लिए 89 रन की। और जैसे ही मनोज तिवारी LBW आउट हुए एक अंदर आती हुई गेंद पर, उसके बाद जो है कहानी बिल्कुल बदल गई। एक तरह से उनके आउट होने का मतलब था राजकोट के मैदान पर एकदम सूखा पड़ जाना, रनों का सूखा पड़ जाना। ऐसा सूखा पड़ा कि हर कोई बल्लेबाज जो है टिककर खेलने लगा। आलम यह था कि साहा, रिद्धिमान साहा, जो भारतीय टीम के विकेटकीपर हैं, टेस्ट टीम के विकेटकीपर हैं, वो इतनी धीमी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने महज 4 रन बनाए हैं 43 गेंदों का सामना करके, और उसमें एक चौका भी शामिल है, यानी उनकी 42 गेंदें डॉट गेंद रही हैं मैच के तीसरे दिन। और वहीं अगर हम बात करें एक और अन्य बल्लेबाज जो खेल रहे हैं क्रीज पर, सुदीप चटर्जी, वो 47 रन पर नॉट आउट हैं, 145 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। तो स्थिति यह है कि सौराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 425 का स्कोर बनाया, और इसके जवाब में बंगाल की टीम तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 134 रन बनाने में कामयाब रही 3 विकेट के नुकसान पर, यानी 65 ओवर में महज 134 रन, यानी 2 रन प्रति ओवर की गति से रन गति को उन्होंने आगे बढ़ाया। इस बल्लेबाजी को देखकर मुझे याद आता है 1989-90 का वो किस्सा, जब बंगाल की टीम ने 50 साल के बाद रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था दूसरी बार। जी हाँ, एक बार 34-35 के आसपास उसने खिताब जीता, उसके बाद 50 साल के बाद उसने खिताब जीता था, और उसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने तब 278 रन बनाए थे, और उसके जवाब में 4 विकेट पर 216 रन बना पाई थी बंगाल की टीम। ना वैसे तो आमतौर पर होता ये था कि ज़्यादातर मुकाबलों में हमने देखा रणजी ट्रॉफी के फाइनल में एक टीम ने रन बनाया, दूसरी टीम ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर ट्रॉफी जीत ली, लेकिन यहाँ तो बढ़त भी हासिल नहीं हुई थी, लेकिन कम विकेट गिरने के आधार पर बंगाल को चैंपियन घोषित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ स्थिति जो है, जिस तरह से खेल रहे हैं, बहुत धीमा खेल रहे हैं, और अभी 291 रन पीछे हैं चेतेश्वर पुजारा की टीम के खिलाफ, यानी सौराष्ट्र की टीम से के पहली पारी के स्कोर से 291 रन अभी पीछे है ये टीम। और यदि उसको यहाँ तक पहुँचना है तो अभी 2 दिन का अभी खेल बाकी है, यानी मैच के रिजल्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोशिश यही है कि पहली पारी में किसी तरीके से बढ़त हासिल कर की जाए। 3 विकेट गिर चुके हैं, 7 विकेट बाकी हैं। मनोज तिवारी के रूप में एक बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब साहा खेल रहे हैं और सुदीप खेल रहे हैं, सुदीप चटर्जी, जिन्होंने 47 रन की नॉट आउट पारी है, और कितना वो इस पारी को आगे बढ़ाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन साथ ही एक दूसरा पक्ष भी देखने को मिला रणजी ट्रॉफी के फाइनल में, कि जहां DRS जो है उसने कई निर्णय बदले। निर्णयों को बदलना इसका मतलब है कि DRS जो है वो एक अनिवार्य ज़रूरत है डोमेस्टिक क्रिकेट की, और इसके बिना कई निर्णय उलट जाते थे, खिलाफ जाते थे खिलाड़ियों के, लेकिन यहाँ पर कई निर्णय पलटे गए। और सुदीप चटर्जी जो जिनके खिलाफ अंपायर ने LBW आउट दे दिया था, DRS लिया गया, और DRS के बाद इस निर्णय को बदल दिया गया। तो कुल मिलाकर अब 291 रन चाहिए पहली पारी के स्कोर को पार करने के लिए बंगाल को सौराष्ट्र से। और अब जितना धीमी बल्लेबाजी देखने को मिली है इन 2 दिनों में, उम्मीद करनी चाहिए कि अगले 2 दिन जो हैं बंगाल न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी की गति को बढ़ाएगा, बल्कि कुछ अच्छा दिलचस्प दोनों गेंद और बल्ले के बीच में जंग देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।